हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियंका किचन। आज हम बनाएंगे कॉलीफ्लावर मंचूरियन। कॉलीफ्लावर मंचूरियन बहुत अच्छी लगती है और स्टार्टर के लिए तो बहुत ही अच्छी है। कॉलीफ्लावर मंचूरियन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? एक कॉलीफ्लावर लिया है, इस साइज के टुकड़ों में मैंने इसको कट किया है और उसको वॉश करके ड्राई किया है। गार्निशिंग के लिए चॉप्ड स्प्रिंग ऑनियन लिया है, पैच कटा हुआ कॉर्नफ्लावर 1 कप, कॉर्नफ्लावर 1 कप, राइस फ्लावर, अदरक और लहसुन की पेस्ट, टेस्ट के लिए नमक, टमाटो केचप, क्रश लाल मिर्च, ओरिगानो, ब्लैक पेपर, विनेगर, सोया सॉस। सबसे पहले ये मंचूरियन बनाने के लिए देखो, इसमें मैं 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है और 1 बाउल राइस फ्लावर। इसके साथ साथ हम इसमें डालते हैं थोड़ा टेस्ट के लिए नमक, टमाटो सॉस भी इसमें थोड़ा डाल देते हैं, ये सोया सॉस भी इसमें आधा टेबल स्पून डाल देते हैं और इसको मिक्स करना है और डीप फ्राई करने के लिए तेल भी लगेगा। चलो इसको सबसे पहले मिक्स करते हैं। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल ये पतला बैटर बनना चाहिए। राइस फ्लोर है तो इसमें ज़्यादा लम्स बिल्कुल नहीं होते हैं और ये अदरक लहसुन की पेस्ट है, इसमें से 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट इसमें डाल दें, थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर दें। चलो ये हुआ बैटर तैयार, अभी इसको मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं। वाह, बहुत ही अच्छा बन गया है, ये बचा हुआ भी इसमें डाल लेती हूँ। आपको देखो कुछ लाइट खाना है तो जरूर ये कॉलीफ्लावर मंचूरियन बनाइए। आप डायरेक्ट इसमें कॉर्नफ्लावर का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने तो राइस फ्लोर का यूज़ किया है। राइस फ्लोर भी मैंने डाला है क्योंकि राइस फ्लोर से ये बहुत अच्छी क्रिस्पी बन जाएगी। चलो ये बैटर अच्छी तरह से मिक्स हुआ है, अभी इसको 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट होके सेट हो जाएगा। तेल गरम करने के लिए रखा है, एक कॉलीफ्लावर भी मैरिनेट हुआ है, इसको मैंने 15 मिनट के लिए रखा था और तेल भी अच्छी तरह से गरम हुआ है। अभी इसको एक कॉलीफ्लावर को गोल्डन ब्राउन होने तक उसको डीप फ्राई करना है। इसको अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। देखो इस तरह से बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन बन गया है, अभी इसको मैं निकाल दूँ। जे इस तरह से कॉलीफ्लावर को अच्छी तरह से मैरिनेट करके डीप फ्राई किया है, ये पूरा मैंने डीप फ्राई किया है। मेन मंचूरियन बनाना है,
इधर पैन गरम करने के लिए मैंने रखा है। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दीजिए। ऑयल डालने के बाद इसमें डालना है एक कटा हुआ पैन। पैच को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना। देखो ये पैच ट्रांसपेरेंट होने लगा है। अभी मैं इसमें डालती हूँ ये अदरक और लहसुन की पेस्ट। अरे अदरक और लहसुन की जो पेस्ट डाली है उसको ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि उसका फ्लेवर मंचूरियन में रहना चाहिए। गैस एकदम धीमी करते हैं, बिल्कुल धीमी गैस रखना है। अभी मैं इसमें डालती हूँ टेस्ट के लिए थोड़ा नमक। नमक थोड़ा डालिए क्योंकि इस कॉलीफ्लावर में भी नमक डाला है। अभी इसमें डालते हैं एक टोमेटो केचप। मुझे ये टोमेटो केचप बिल्कुल कम लग रहा है, मैं और भी इसमें टोमेटो केचप डालती हूँ क्योंकि असली मज़ा तो इसमें ही है। अभी इसमें डालते हैं सोया सॉस। आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं, मैंने चिली सॉस नहीं डाला। सोया सॉस डालने के बाद मैं डालती हूँ एक क्रश की हुई लाल मिर्च। आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अभी इसमें डालते हैं ये ब्लैक पेपर। एक चम्मच मैंने ब्लैक पेपर डाला है और ये ओरिगानो। एक चम्मच ओरिगानो। इसके बाद इसमें छोटा आधा चम्मच मैं विनेगर डालती हूँ, लगभग 4-5 ड्रॉप विनेगर भी इसमें डाला है। वाह बहुत अच्छा स्मेल आने लगा है। अभी मैं इसमें डालती हूँ कॉलीफ्लावर, डीप फ्राई की हुई कॉलीफ्लावर। ये सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। देखो ये तो हुई मिक्स, लेकिन अभी एक बाकी है मंचूरियन। इसे अच्छी नहीं दिखती है और इसको बाइंडिंग भी अच्छा नहीं हुआ है, इसके लिए ग्रेवी भी बिल्कुल नहीं है। तो इसकी और ग्रेवी बनाने के लिए मेरे पास ये है कॉर्नफ्लावर। इसमें से 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेते हैं और इसका एक कॉर्नफ्लावर का बिल्कुल पतला घोल बनाना है। और भी थोड़ा पानी डालते हैं। देखो इस तरह से मैंने इसका घोल बनाया है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल दे जाए। अच्छी और ट्रांसपेरेंट दिखने लगी है। ये बचा हुआ अभी इसमें डाल लेते हैं। और देखो बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है। और इसमें डाल देते हैं स्प्रिंग ओनियन, कटा हुआ हरा पैच। मैं अभी इसको फोर्क से मिक्स करूंगी। अभी ये बन गई फुल गोभी मंचूरियन। मैं अभी इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। लीजिए कॉलीफ्लावर मंचूरियन बनके तैयार है।
एक कॉलीफ्लावर मंचूरियन मैंने राइस फ्लावर और कॉर्न फ्लावर का यूज़ करके बनाइए। आप भी इस तरह से कॉलीफ्लावर की मंचूरियन ज़रूर बनाइए और खाइए, आपको भी बहुत पसंद आएगी। आपके अनुभव शेयर कीजिए, मेरे चैनल के लिए जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।